राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा के साथ ही कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य भी खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए रविवार सुबह पश्चिमी बंगाल पहुंचे। यह यात्रा दो दिन के अंतराल के बाद फिर से प्रारंभ होगी। कांग्रेस की पश्चिमी बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत किया, जिससे एनडी गठबंधन के सहारे सत्ता प्राप्ति का सपना कांग्रेस देखने लगी थी, उस सपने को ग्रहण लग चुका है। पश्चिमी बंगाल में यात्रा घुसी ही थी कि ममता ने आंख दिखा दी और पश्चिमी बंगाल में लगभग एक तरफा तरीके से चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया। तो अगला पड़ाव बिहार में रहा, जिसमें गठबंधन को बेस बनाने की कोशिश हुई, उसका प्लेटफॉर्म भी उखड़ गया। जी हां, जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन को खड़ा करने में पूरी ताकत झोंक दी थी, वही नीतीश कुमार इस गठबंधन से निकल गए हैं। बिहार में एनडीए की सरकार आ गई है, पर इतने बड़े बदलाव आखिर हुए कैसे? अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है वो बता रही है कि इन सब के पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अपरिपक्वता है। इंडियन एक्सप्रेस में कुमी कपूर का एक लेख छपा है। इस लेख में विस्तार से बताया गया है कि कैसे राहुल गांधी का सेंस ऑफ ह्यूमर ही कांग्रेस की जड़ में मट्ठा साबित हुआ है। उसमें भी कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ऐसी गलतियां की कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ही शर्मिंदा होना पड़ा। इंडी गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद से इस गठबंधन में दरार काफी चौड़ी हो गई। दरअसल नीतीश कुमार, जिन्होंने इस गठबंधन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से कांग्रेस ने उन्हें किनारे लगा दिया। उन्हें संयोजक पद पर तब बैठाने की कोशिश की गई जब अध्यक्ष पद पर पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति कर दी गई। मायने साफ है, नीतीश कुमार जिस उम्मीद के साथ इस गठबंधन को खड़ा कर रहे थे उसी में उन्हें छोटा बना दिया गया। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने राहुल गांधी ने ऐसा मजाक कर दिया कि अरविंद केजरीवाल उखड़ ही गए। इस लेख के मुताबिक राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ सीट समझौते में यह कहकर तेजी लाना चाहते थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले ही सीटों का समझौता हो जाए। यह बात अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरी। हालांकि राहुल गांधी ने अपने कथित सेंस ऑफ ह्यूमर की आड़ में यह सब बोला, लेकिन संदेश जहां जाना था वो चला ही गया। इस बात को ANI की सेफ एडिटर स्मिता प्रकाश ने अपने ट्विटर में हाईलाइट भी किया है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये ऐसे नेता है जो बीजेपी विरोध की धुरी बन सकते थे। यह नेता अपने राज्यों में बेहद मजबूत भी है। हालांकि ये साफ है कि ये नेता धीरे धीरे इस इंडी गठबंधन से बाहर निकल ही चुके हैं। ऐसे में यदि अन्य दलों ने भी इंडी गठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया तो यह भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों में फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि इससे क्षेत्रीय दलों का महत्व भी बढ़ सकता है, लेकिन एनडीए के एकजुट और ताकतवर रहकर चुनाव जीतने की सूरत में उनके लिए आगे की डगर चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में जिन राज्यों में हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बरकरार रखने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका इस पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।